सेना ने बरसातियों भीड़ पर बुरी तरह से बम बरसाए हैं, जिसमें मौके पर ही 100 लोगों की मौत हो गई है। ऐसी एक दर्दनाक खबर 2 मिनट पहले की निकलकर सामने आ रही है, जहां पर साथियों आपको बता दें कि अभी अभी सेना ने बरसाए बम से 100 लोगों की चितड़ उड़ गए हैं। सेना ने मंगलवार को भीड़ पर बरसाए बम और हवाई जहाज से लगातार 20 मिनट तक फायरिंग की। न्यूज एजेंसी NI के मुताबिक हमले में 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, इनमें दर्जनों महिलाएँ और बच्चे शामिल है। बता दें कि यूनाइटेड नेशन की सेना ने सेना की तरफ से किए गए हमले की निंदा की है। UN ने ह्यूमन राइट्स के हाई कमिश्नर वोल्कर तुर्क ने कहा कि हवाई हमले की रिपोर्ट परेशान करने वाली है। उन्होंने कहा है कि ऐसा लग रहा है कि जब हेलीकॉप्टर से बम बरसाए गए तब तक हॉल में कई स्कूल बच्चे डांस कर रहे थे। खबर म्यांमार की सेना ने मंगलवार को भीड़ पर बम बरसाए, ये म्यांमार से खबर इस वक्त की निकल कर आ रही है। म्यांमार की सेना ने हमला विद्रोहियों को गढ़ माने जाने वाले पाजीगी इलाके में किया है, जो वहां से सांगिंग प्रांत में है। हमले के समय लोग एक ऑफिस के लिए उद्घाटन के लिए जुटे थे। 2 साल पहले हुए तख्तापलट के बाद इसे सेना का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। BCC की हमले के दौरान वहां मौजूद एक व्यक्ति ने बताया कि गांव में सुबह 7 बजे सेना का जेट आया, इसने एक बम गिराया, इसके बाद कई हेलीकॉप्टर से फायरिंग शुरू की हो गई है। ये गोलीबारी लगातार 20 मिनट तक जारी रही। आसपास के रहने वाले लोगों ने इनके कई वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं, जिसमें चारों तरफ लाशें दिखाई दे रही हैं। वहाँ मौजूद लोगों के मुताबिक उन्होंने लाशें गिननी शुरू की, लेकिन शरीर के हिस्से अलग अलग जगह पर फैले होने के कारण वो नहीं गिन पाए। जी हाँ साथियों, ये इस वक्त की बेहद दर्दनाक खबर म्यांमार से निकलकर सामने आ रही है, जहाँ पर म्यांमार में साथियों सेना ने भीड़ पर बम बरसाए हैं, जिसमें 100 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। UN बोला हमले की रिपोर्ट परेशान करने वाली है। हवाई जहाज से साथियों बता दें कि साथियों लगातार गोलियां बरसाई गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। थैंक यू।